जा रहे हैं मथुरा के जन्मभूमि स्थान पर। सुबह के बजे हैं लगभग 10, 8, 10, हाँ 9, 10 लगभग है। तो चलिए चलते हैं मथुरा की जन्मभूमि पर, कृष्ण जी की मथुरा में जन्मभूमि, वहीं पे चलते हैं। ये देखिए नज़ारा, अरे क्या लाइन पे है क्या? तो अभी हम लोग जा रहे हैं सामान रखने के लिए। ये देखिए यहाँ पे रखना पड़ेगा सामान। अरे तो ये 5 रुपए में 2 घंटा। तो गाइस फाइनली हम लोग घूम चुके हैं कृष्ण जी की जन्मभूमि पर। यहाँ पर मोबाइल ले जाने नहीं मिलता अंदर, तो आप मोबाइल रख दें। यहाँ पे 2 रुपये लगता है स्टैंड का मोबाइल रखने का, और अंदर जाते ही आपको मिलेगी गुफा जिसमें 10 रुपये चार्ज रखता है। तो 10 रुपये ज़रूर रख लें पर व्यक्ति, और अंदर जाकर आप रबड़ी ज़रूर खाएँ। यहाँ पर सबसे बेस्ट मिलती है रबड़ी, और रबड़ी के बाद आप जाएं ऊपर, मंदिर हैं, 2 मंदिर मिलेंगे आपको घूमने के लिए, जिसमें कृष्ण जी की कारागार भी दिखाए गए हैं, कृष्ण जी के माता पिता जिसमें कैद थे। और उसके बाद आपको दिखेगा जहाँ पे कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति है, तो दोनों मंदिर आपस में अटैच हैं। तो बढ़िया एकदम नेचुरल रूप है। मोबाइल वोबाइल कुछ ले जाने नहीं मिलेगा, और जूते चप्पल बाहर उतार दें। तो भाई जाना चाहें तो आप ज़रूर जाएं, यहाँ पर आएंगे तो ज़रूर घूमें। तो अभी हम लोग जाएंगे और भी जगह, तो बने रहिए ब्लॉग में कंटिन्यू। यहाँ पे अंदर जाने नहीं मिलता है, बस देख सकते हैं ऊपर से। गोकुल की ओर निकल रहे हैं अभी हम लोग। ये लगभग दूरी है 12 किलोमीटर, 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है, और आपको कम से कम जाने उसका लगेगा 50 रुपये, और आना जाना 100 रुपये में होएगा। बाकी वो लोग रेट ज़्यादा बताते हैं, तो आप मैनेज कर लीजिए, देख लीजिए। यमुना माता के दर्शन। अब हम लोग ने ऑटो में दिया है 50-50 रुपए आने का, और 100 रुपए टोटल लेगा जाने का भी, और सामान वगैरह सब रख दिए वहीं पे। और भैया के गाइड ये जो देख रहे हैं, तो ये लेंगे 100 रुपए गाइड करने का। अभी हम लोग गलियों में घूम रहे हैं, बस। और बाकी छोटे भी हैं। नहीं 11 साल बामन दिन। अच्छा हाँ हाँ 11 साल जय जय भाई।
लगा लगा भगवान ने मिट्टी खाया, पूछ नगाबत किया, माखन चलाया, बहुत साल मिला है। सुबह से शाम तक यहाँ लाखों लोग आता है। अच्छा, कोई घूमने का जगह नहीं, कोई पिकनिक का जगह नहीं। दर्शन करने वो ठीक है भैया, हो भी तो भगवान जब देगा हमें, हम भगवान को नहीं वो नहीं। तो फाइनली हम लोग गोकुल घूम चुके हैं। यहाँ पर गलियों में मंदिर है, पूरे गलियों के अंदर मंदिर है। और यहाँ पे एक जो भोग लगता है कृष्ण जी को, वो 600, 1600 और 2800 रुपये का लगता है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और एक झंडा भी चढ़ता है बीच में, जहाँ पे 101 रुपये लगता है। तो आप गाइड जो आपको करता है उससे देख लें, वहाँ जिसके साथ भी जाएँ, है ना। तो बाकी 100 रुपये लेगा जो आपको घुमाएगा पूरा पूरी गलियों में। तो अभी हम लोग खाए हैं यहाँ पे नान, 40 रुपये प्लेट। और हम लोग जा रहे हैं अब नौका बिहार, विश्राम घाट ना, विश्राम घाट जाने वाले हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। ये जो एरिया है, मैं आपको नाम बताऊंगा, अलग फीलिंग है। बराबर करेंगे जब मिलेगा तो। सुन गाड़ी, हम लोग जा रहे हैं रिक्शा, नंदन रिक्शा। दादा मेहनत कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं विश्राम घाट। तो वहाँ पे लगता है 20-20 रुपए किराया देकर आप आ सकते हैं। कम करवाएंगे तो 15-10 रुपए में जा सकते हैं। दादा मेहनत कर रहे हैं। और चलो चलते हैं विश्राम घाट। उतरे राधे 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 मजा तो है। राधे राधे जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, साइड साइड साइड, चलो चलो राधे राधे कृष्णा। राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। राधे राधे से बोलो, राधे राधे जोर से बोलो। वाह यार, अंदर है गाइस, मार्केट घूम। अरे तन में पैदल चलो, दोपहर 1:30 बजे इतना सर्दी लग रहा है क्यों? अंकल गर्मी पे टाइम पे तो गर्मी लगता होगा जैसे, है ना, कुछ ना लगता ना। अच्छा यहाँ रिक्शा बस आता है। हाँ चलो ये।